अरुण भूमि के तमाम दर्शकों का एक बार मैं फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ लोहित ज़िले से। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ बोल्डर्स फेंके गए हैं और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो बारबेड वायर है, यही नहीं बल्कि आप पीछे भी अगर देखेंगे नया बारबेड वायर और जो बोल्डर्स है वो काफ़ी जगह में रखा गया है। तो हमने आपको पिछले महीने दिखाया था कि किस प्रकार तेजू में, लोहित ज़िले में बाढ़ की वजह से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, बहुत मुसीबत में है। अगर आप इस तरफ देखेंगे तो तेजू नाला से लोगों को इवैक्यूएट करके, खाली करवा के लोगों को ऐसे टेम्प्रेरी मेकशिफ्ट जगहों पर रखा गया था। फिलहाल हम जो जानकारी आपको आज देना चाहते हैं वो है रिवर एम्बैंकमेंट जो होता है, जो फ्लड प्रोटेक्शन वर्क होता है उसके बारे में। मैं फ़िलहाल हूँ यहाँ तेजू नाला और आगे आप जाएंगे तो आपको मिलेगा खोरालियांग विलेज। यहाँ हमें मिली जानकारी के अनुसार जो रिवर एम्बैंकमेंट का काम है वो चल रहा है और सुनने में ये आया है कि ज़िला प्रशासन के तरफ से NHIDCL को काफ़ी बार रिक्वेस्ट किया गया कि आप किसी प्रकार से जो ये पानी ने जो यहाँ हड़कंप मचाया है, जो पानी काटता हुआ बिल्कुल सामने टाउन की ओर आ रहा है, इसे किसी प्रकार से रोका जाए। हालांकि मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि ज़िला प्रशासन और WRD की तरफ से एक प्रपोज़ल स्टेट गवर्नमेंट को सौंपा गया है। जैसा कि हमारे लोहित ज़िले के DC साहब मार्गेश्वरा जी ने पिछले महीने हमसे कहा था 131 करोड़ जी प्रोजेक्ट प्रपोजल बाढ़ से बचने के लिए, फ्लड प्रोटेक्शन वर्क के लिए बना करके स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट किया गया है और उम्मीद अभी ये की जा रही है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द क्लियर कर दे ताकि काम शुरू हो सके। आप थोड़ा सा अगर इस तरफ नज़र दोहराएंगे तो आपको पता चलेगा नदी जो है यहाँ पर बहुत दूर था, इसी साल पिछले 2-3 साल से काट काट करके वो टाउन के नज़दीक आते आते इस साल हमने जो देखा है बिल्कुल ही समीप आ चुका है। आप इस तरफ अगर देखेंगे मेन हाईवे, नेशनल हाईवे यही वाला है, आप देखेंगे अभी वहाँ से जो गाड़ी आ रहा है यही है नेशनल हाईवे हमारा। और स्थिति इतना भयावह हो चुका है कि अब अगर फ्लड प्रोटेक्शन के काम में और देरी की जाए तो हो सकता है कि मेन हाईवे को तोड़ता हुआ पानी जो है वो मेन शहर की ओर चला जाए। फिलहाल दोस्तों मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ, ये पीछे जो है एम्बैंकमेंट का काम बेशक चल रहा है और सुनने में ये आया है कि ये NHIDCL जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से काम किया जा रहा है। आप यहाँ अगर देखें तो फेंस जो है, ये बारबेड वायर शायद इसको कहते हैं, इन्हें लगाया गया है और साथ ही साथ बड़े बड़े पत्थरों को यहाँ पर डाल करके बेम्बू ऐसे लगा दिया गया है और कोशिश शायद ये है, जो देखने में ऐसा लग रहा है कि बड़े पत्थरों की मजबूती से शायद ये उम्मीद की जा रही है कि जो पानी का बहाव है वो टाउन के तरफ ना आए। मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ, टाउन जो आपके दाएं साइड में होगा, अगर आप स्क्रीन में मुझे देख रहे हैं तो आपके दाहिने साइड में हमारा तेजू टाउन है। प्रशासन की तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि किसी प्रकार से भूमि का जो कटाव है इसे रोका जा सके। आपने एक प्रोवर्ब जो कहते हैं प्रोवर्ब सुना होगा, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, तो लगता है इसी चीज़ को संज्ञान में लेते हुए हमारा जो ज़िला प्रशासन है वो इस काम को करवा रहा है NHIDCL के द्वारा। क्योंकि नदी का बहाव आप देखिए, यहाँ जब तक कंक्रीट का बड़ा बड़ा एम्बैंकमेंट नहीं बनाया जाता तब तक लोगों का भी कहना है कि नहीं लगता है कि किसी प्रकार से ये भूमि का कटाव, सॉयल इरोजन रुकने वाला है। हालांकि अगर आप यहाँ पर देखें तो फिलहाल इस प्रकार के तार लगा करके और ये जो पत्थर है ऐसे पत्थरों का स्टैक्स बना करके और ये जो बैम्बू है, हमें हालांकि पता नहीं है कि ये बैम्बू में बाद में पिलर लगाया जाएगा कंक्रीट का या नहीं, ये हम नहीं कह सकते। यहाँ फिलहाल फील्ड में भी कोई नहीं है, स्पॉट में कोई नहीं है, लेकिन देखने में जो आ रहा है फिलहाल इसी प्रकार से उम्मीद कर रहे हैं कि पानी जो है दाहिने साइड में और ना काटे।
हमने लोहित जिले के जो डिप्टी कमिश्नर है मार्गे सोरा जी से जानना चाहा कि इसका फंडिंग पैटर्न क्या है, क्या ये एमएलए लेट के द्वारा किया जा रहा है या डीसी का जो अनटाइड फंड होता है उसके द्वारा किया जा रहा है। तो फिलहाल हम यहाँ स्पॉट में आए थे, हमने आपको दिखाने की कोशिश की जो काम है वो किस प्रकार चल रहा है। आप सभी को एक बार बता देना चाहता हूँ कि ये टेम्प्रेरी फ्लड प्रोटेक्शन वर्क है। हमारा जो लोहित ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से 131 करोड़ यानी कि 131 करोड़ का एक प्रपोज़ल जो है फ्लड प्रोटेक्शन वर्क के लिए वो बना करके स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है। जो लोकल लेवल में जितना भी इसका क्लियरेंस होना था क्लियरेंस मिल चुका है। फिलहाल उम्मीद ये की जा रही है कि जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है, वो पैसे देने में देरी ना करे, क्योंकि और ज़रा सी देरी होने पर हम सोच भी नहीं सकते कि कितना बड़ा तबाही यहाँ तेजू में मच सकता है। मैं फिर से एक बार बताता हूँ कि ये जो 131 करोड़ का जो फ्लड प्रोटेक्शन वर्क है होना है तेजू में, वो फिलहाल ये नहीं है, ये टेम्प्रेरी रूप से बनाया जा रहा है। और इसको करने वाली जो संस्था है वो है NHIDCL। NHIDCL को हमारे ज़िले के DC साहब मार्गे सोरा जी ने बहुत बारी रिक्वेस्ट किया कि आप जल्द से जल्द आप काम को शुरू करें, क्योंकि आपके पास में रिसोर्सेस हैं। NHIDCL देखिए एक बहुत बड़ी संस्था है, उनके पास में रिसोर्सेस की कोई कमी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है। तो उनसे ये रिक्वेस्ट किया गया कि आप जल्द से जल्द इस काम को आप अपने अंदर में ले लें और इस प्रकार का फ्लड प्रोटेक्शन आप काम करें, क्योंकि आप अगर इस तरफ देखेंगे तो बाढ़ के पानी ने, आप यहाँ देख सकते हैं ऑलरेडी किस प्रकार से जो टाउन की तरफ जाना शुरू कर दिया गया है। यहाँ से आप अगर हार्डली बमुश्किल ये 50-100 मीटर के बाद ही मेन हाईवे शुरू हो जाता है। तो इसलिए NHIDCL को DC साहब के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया। और अच्छी बात यह है कि प्रॉब्लम को देखते हुए, प्रॉब्लम की गंभीरता को देखते हुए NHIDCL ने DC साहब का रिक्वेस्ट को माना, गौर किया और कल से यहाँ पर खोरालंग जो है तेजू नाला का ब्रिज हालांकि थोड़ा सा आगे है, यहाँ पर काम शुरू कर दिया गया है। अभी देखने वाली बात ये होगी कि जो हमारा राज्य सरकार है वो कितनी जल्दी जो फंड उनसे मांगा गया है फ्लड प्रोटेक्शन काम को करने के लिए अच्छी तरह से, वो कब तक उसको सुनिश्चित करता है, सैंक्शन करता है, ताकि जल्द से जल्द जो है जो कंसर्न डिपार्टमेंट होगा, WRD होना चाहिए हालांकि, या जो डिपार्टमेंट को भी काम मिलता है, वो कितनी जल्दी काम को ख़त्म करता है और जो हमारा राज्य सरकार है वो जल्द से जल्द अगर पैसों का सैंक्शन कर दे तो काम शुरू हो सकता है। और हम उम्मीद करते हैं कि तेजू जो है उसमें जो त्राही मचा है 2022 के समय में खास करके, वो आगे जाके बंद हो और लोग चैन की सांस ले सके। और उन भूमि के लिए ब्यूरो चीफ, मैं अनिर्बन दास गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद।